अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकल्चर न्यूज़ के साथ मैं हूं बाबर अवान और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबर अवान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप हमारी वीडियो एंजॉय भी कर रहे होंगे। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे काटन के मुतालिक। काटन के मुतालिक जो कि हमारे बहुत ही अज़ीज़ सैयद मुदस्सर शाह, तो उन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि डॉलर 32 पैसे प्लस में इंटरनेट बैंक क्लोज हुआ है, डॉलर 279.12 रुपये पर बंद हुआ, डॉलर समझ लें कुछ ठहर गया है, मौजूदा सूरत हाल में डॉलर में किसी बड़ी कमी के पेश चांस कम हो रहे हैं, काटन मार्केट इस्तेहकम है फ़िलहाल और इस वक्त मार्केट में ख़रीदार ज़्यादा है और फरोख्त करने वाले बहुत ही कम हैं, काटन क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा है इस वक्त। और मज़ीद हम आपको बताते चलें कि काटन मार्केट में अभी मिल 17,000 तक ख़रीदार हैं, लेकिन जनरस को शाबाश दें, उन्होंने कपास 19,000 के हिसाब से लेना शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब और वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी को मुबारक हो, आज खानपुर मंडी वालों ने उनके हुक्म के मुताबिक 8,500 से भी ऊपर जाकर 8,700 रुपये मन में कपास फरोख्त की है। इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हमारे तजिए और नज़रिए के मुताबिक आने वाले दिनों में काटन के अंदर मज़ीद बेहतरी के चांस ज़्यादा हैं और इस वक्त कपास का ख़रीदार मौजूद है और फरोख्त करने वाले कम हैं। इसके साथ साथ हम आपको मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा करते जाएँ कि क्योंकि कुछ मंडियों में 8,500 रुपये भी कपास की ख़रीदो फरोख्त की गई है, 8,500 से ऊपर भी, तो आने वाले दिनों में मज़ीद चांस बेहतरी के हैं, संभल कर काम करना चाहिए। शुक्रिया।